सोना पूरनपुर 11 और सुसोना ने टॉस जीत लिया है, शायद हाथ खड़ा कर दें कैप्टन। जी हाँ, सुसोना ने टॉस जीत लिया है और देखते हैं क्या निर्णय लेती है। बॉलिंग का निर्णय लिया है सुसोना गॉडफादर ने और बल्लेबाज मैदान में आ चुके हैं। सुसोना वाले सुन नहीं रहे भाई, ये कौन सी बात है, जल्दी जल्दी फील्डिंग हो जाए। और इस मैच का सीधा प्रसारण यूट्यूब पे किया जाएगा। और यहां थर्ड अंपायर भी मौजूद रहेगा और सुसोना जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग सजा लें। बाबू भाई खासकर केन्या से उन्हें बुलाया गया अंपायरिंग करने के लिए, आज ही फ्लाइट हुई इनकी दिल्ली। नाम बता दो अपना। फैज आता हाथ खड़ा करें। जी हाँ, फैज हैं गेंदबाज, सामना करेंगे लारा। गेंद इस इनिंग की, फैज धीरे धीरे कदमों से, अच्छी गेंद, सम्मान दिया लारा ने उसे, तो रन नहीं मिलेगा लारा को। काफी अच्छी गेंद फैज द्वारा, बहुत ही रोमांचक मुकाबला है मुझे उम्मीद। बेहतरीन शॉट गेंद हरा में और ये देखिए 4 रन, पहला चौका लारा के बल्ले से निकलता है और इसी के साथ लारा ने अपना खाता भी खोला, टीम का भी खाता खोला 4 रन। अच्छी गेंद और बेहतरीन शॉट ने फील्डर बामोद बात ले रहा है, खतरा सकता है लेकिन आसानी से रन गिरा लिया। और बहुत ही चुस्ती से देखते हुए अंपायर प्रणाम सिंह ढींसा और लगातार अब उनकी बॉल होगी, कभी लेग स्टंप कभी आप सामने बंटी, अच्छी गेंद जाने दिया बंटी ने से। फिर से अच्छी गेंद और वाइड करार दिया अंपायर ने से और स्टंप के काफी बाहर। और फिर से अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद फैज द्वारा, काफी अच्छा ओवर बचता हुआ अभी तक, ये पावर प्ले का पहला ओवर। एक अर्थ से फैज, अच्छी गेंद, इतना फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर है 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद मनोज द्वारा, गोली की तरह निकल गई बल्लेबाज, बिल्कुल नहीं समझ सके उसे। अच्छी गेंद हवा में लेकिन कोई नुकसान नहीं बल्लेबाज को, एक रन मिलेगा वहां पे। आसानी से एक रन पूरा कर लिया लारा ने और स्ट्राइक किया गया बंटी। बहुत ही बेहतरीन गेंद, फिर से जीत हुए बंटी अभी तक समझ नहीं पाए इस पिच के मिजाज को और लगातार बीट होते हुए फिर से अच्छी गेंद और वाइट करार दिया अंपायर ने से। एक अतिरिक्त रन और मिलेगा यहां तुरंतर 11 पर वाइट कर, फिर से अच्छी गेंद और ये पहला बाउंस करार दिया अंपायर ने से, वन बाउंस हो चुकी है, वन बाउंस और ये वाइट बॉल करार दिया अंपायर ने से और नौ बॉल भी होगी ये और थ्री हिट होगी अगली। देखता क्या करते हैं वहां पे बल्लेबाज, कितना फायदा उठाते हैं इसका। बहुत ही बेहतरीन शॉट गेंद हवा में लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, कभी थ्री हिट आए और इसका पूरा फायदा नहीं उठा सके बल्लेबाज, मात्र एक रन से संतोष करना पड़ेगा बंटी को। और बंटी ने अब अपना खाता खोला है छठी बॉल पे, अच्छी गेंद लाभ, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, एक रन मिलेगा बल्लेबाज को और यहां काफी चुस्ती फुर्ती उठाते एक्स्ट्रा ओवर थ्रो हुआ है।
और इस शिक्षा दो ओवर समाप्त, टीम का स्कोर है 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। पावर प्ले के दो महत्वपूर्ण ओवर समाप्त होते हुए सामना करेंगे लारा। बेहतरीन शॉट लारा का, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन मिलेंगे यहाँ पे लारा को। यहाँ देखते कितना फायदा उठाते हैं लारा, क्योंकि इधर की बाउंड्री थोड़ी छोटी है। बहुत बेहतरीन गेंद, काफी अच्छी गेंद खेल दिया रहा है। यार गेंद हवा में, यार देखना है अब क्या होता है यहाँ पे, और ये पकड़ लिया है, और एक बहुत ही बड़े विकेट की तलाश में थी सुसेना गॉडफादर, वो तलाश पूरी हुई। लारा के रूप में पहली सफलता मिलती हुई सुसेना गॉडफादर को। और लारा का स्थान लेने आए हैं वीरा, तो छोड़ेगी नहीं टीम। अच्छी गेंद बीट गई वीरा, बहुत ही बेहतरीन गेंद, राइट करार दिया अंपायर ने उसे। अंपायर से बहस ना करें कृपया, बिना किसी भेदभाव के ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, किसी का पक्ष नहीं लिया जाएगा, जो गेंद जैसी होगी वैसा ही इसका निर्णय दिया जाएगा। अच्छी गेंद लेकिन न्यूट्रल लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। 1 रन मिलेगा यहाँ वीरा पे, उसी के साथ वीरा ने अपना खाता खोला। 20 अच्छी गेंद, बात करें रन का रन आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन मैंने आसानी से 1 रन पूरा कर लिया। बिटवीन द विकेट रनिंग बहुत ही चपाई से पूरी करते हुए दोनों बल्लेबाज, काफी अच्छी गेंद लेकिन कोई रन नहीं मिलेगा वहां बल्लेबाज को। और इसी के साथ ओवर खत्म हुआ फैज का, 3 ओवर की समाप्ति का स्कोर है 20 रन, 1 विकेट के नुकसान थे, 9 रन आए इस ओवर में फैज को। अच्छी गेंद, सम्मान दिया बंटी ने, बंटी बहुत ही सूझ बूझ बल्ले बड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं। जैसे मानसु काफी अच्छी गेंद, जाने दिया बंटी ने उसे भी विकेट की के पास। अच्छी गेंद, फिर से अच्छी गेंद हिमांशु द्वारा, बंटी कोई फायदा नहीं उठा सके गेंद का, घुमाया जरूर था लेकिन बैट और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, हवा हिमांशु खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। सामना करेंगे बंटी, रन लेना चाहते थे लेकिन खतरा वहां पे मना किया वीरा ने। हिमांशु फिर से अच्छी गेंद हिमांशु पर, अब बेहतरीन ओवर हिमांशु का, ये मेड इन ओवर रहा हिमांशु का, ये पावर प्ले का अंतिम ओवर मेड इन ओवर हिमांशु द्वारा। और ये अभी अच्छी गेंद लाइट करार दिया अंपायर ने से। अच्छा शॉट लेकिन फील्डर वहां मौजूद, मात्र 1 रन से संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज को। अच्छी गेंद मनोज द्वारा, बेहतरीन गेंद, नहीं पा रहे और यह बहुत बड़े खतरे साबित हो सकता है। और बाल बाल बचे वहां पे बंटी, और फिर से हाथ खड़े हैं और इस बीच अब ओवर थ्रो के रूप में 1 रन मिल जाएगा। अच्छी गेंद, जाने दिया ऐसे वाइट करार दिया अंपायर विक्रम ने, चौके छक्के तो लग ही नहीं रहे यहाँ पे, दर्शकों को मजा भी नहीं आ रहा है। अच्छी गेंद और गेंद हवा में है, और ये तीसरा विकेट मिलता हुआ वीरा के रूप में, यहाँ पे वीरा का मनोज ने सफलता दिलाई, वीरा के रूप में दूसरा विकेट। यहाँ की अच्छी बॉलिंग और फील्डिंग होती हुई सुसेना की तरफ से,
पूरा मात्र दो रन बनाकर पवेलियन जाते हुए मुस्तफिक आए नए बल्लेबाज। मनोज सामना करेंगे मुस्तफिक। अच्छी गेंद, सम्मान दिया मुस्तफिक ने, भाग पड़े, रन आउट हो सकता है और बाल बाल बचे अगर ये डायरेक्ट हिट लग जाते तो यहाँ मुस्तफिक को वापस पवेलियन लौटना पड़ता। रन नहीं आ रहे हैं, बल्लेबाजों पे दबाव पड़ता जा रहा है। पहले से मनोज बंटी हवाई फायरिंग, लगातार हवाई फायरिंग करते हुए बैट और बल्ले में कोई संपर्क नहीं बंटी का और इसी के साथ पांचवा ओवर समाप्त हुआ और स्कोर है मात्र 25 रन दो विकेट के नुकसान पे। हिमांशु ने अच्छी गेंद, बेहतरीन गैप ढूंढा है, देखना है यहाँ पे और बहुत ही शानदार फील्डिंग यहाँ पे फील्डर द्वारा, गेंद के अंदर फील्ड कर लिया गया। मात्र एक रन से संतोष करना पड़ेगा मुस्तफिक को। फिर से और अब की बेहतरीन कट शॉट, बताए अंपायर भाई की बल्ले से और यह पहला चौका निकलता हुआ बंटी के बल्ले से, काफी देर बाद यह चौका आया है। सामना करेंगे बंटी, रिवर्स स्वीप, लेकिन गेंद और बल्ले में फिर से कोई संपर्क नहीं। फिर से घूम गए और मार दिए गेंद सीधी घर में गई है गेंद और जाए हमारे नन्हे मुन्ने कार्यकर्ता जल्द से जल्द आने मुझसे। फिर से घूम गए हैं बंटी, मारने की कोशिश बंटी द्वारा, अच्छा शॉट लेकिन कोई रन नहीं मिलेगा वहां पे। हमारे कमेटी कार्यकर्ता जाएं जल्द से जल्द गेंद उठाकर लाएं, राज सिंह हमारी आवाज सुनना तो जल्द से जल्द गेंद फेंक दें और हिमांशु का ओवर समाप्त होता हुआ, स्कोर है 36 रन। बहुत ही बेहतरीन गेंद, बैट्समैन के साथ साथ विकेट कीपर भी बीट होते हुए, डाई या बैट, बैट से है कैच छूटा, इसका मतलब ये हो जाएगा एक अच्छे से सचिन, अच्छी गेंद थी भी बैट से टकराई, कोई रन नहीं वहां पे। संख्या में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करें, सम्मान दिया मुस्तफिक ने गेंद को, बहुत ही समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। फिर से अच्छी गेंद लेकिन उठाकर मार दिया, देखना कितने रन मिलते हैं वहां पे और बहुत ही अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा, बहुत ही चुस्त फील्डर, एक रन मिलेगा बल्लेबाज को और बंटी की, और देखना क्या होता है और ये कैच आउट होकर पंटी वापस पवेलियन जाते हैं और इस तरह से ये तीसरे विकेट का पतन हुआ पंटी के रूप में, 13 रन बनाए। आतिश है साथ खेल कर दें, ये आतिश है नए बल्लेबाज, तीन विकेट गिर चुके हैं यहाँ पे तुरंतर 11 के। अच्छी गेंद, बेहतरीन सम्मान दिया आतिश ने, सजन हरा में है लेकिन बाल बाल बचे मुस्तफिक करेंगे, मुस्तफिक बेहतरीन गेंद यहाँ पे हिमांशु द्वारा, बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी करते हुए हिमांशु, अच्छी गेंद लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को।
बल्लेबाज पल्ला तो घुमा रहे हैं लेकिन योगेंद्र बल्ले में अच्छी तरह संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर से घुमाना लेकिन बैटर बल्ले में कोई संपर्क नहीं। बेहतरीन गेंद हिमांशु द्वारा और घटा सकता है और ये बाल बाल बचे मुस्तफिक थोड़ी सी देरी कर दी यहाँ अन्यथा यहाँ मुस्तफिक को वापस पवेलियन जाना होता। तो इसी मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच में ना करेंगे मुस्तफिक। अच्छा शॉट मुस्तफिक का मात्र एक रन संतोष करना पड़ेगा मुस्तफिक को और इसे साथ हिमांशु का ओवर समाप्त। आठ ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 44 रन 3 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही बेहतरीन गेंद काफी गति से निकाल दिया गेंद को सचिन ने और ये मात्र एक रन से संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज को। अच्छी तरह संपर्क नहीं हो पा रहा गेंद और बल्ले में। फिर से अच्छी गेंद भाग पड़े हैं कोई रन नहीं वहां पे। आते हवा है कुछ ही दूरी पे गिरी है गेंद अच्छी तरह बल्ले पे नहीं आई। अगर आ जाती तो शायद कैच या सिक्स दोनों में से कुछ जरूर होता सामना कर। फिर से अच्छा शॉट लेकिन वहां एक ही रन मिलेगा बल्लेबाज को क्योंकि स्टेट की बाउंड्री काफी लंबी है लेग और के मुकाबले स्टेट की बाउंड्री बहुत ज्यादा लंबी। और ये बहुत ही रुख है रोग बीच में गिरी अन्यथा आउट हो सकते थे। आतिफ और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और ये काफी अच्छी गेंद फिर से बीट हुए सूरत फिर से हवाई फायरिंग करने की कोशिश है गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। बेहतरीन शॉट लेकिन मात्र एक रन मिलेगा बल्लेबाज को। सूरत खरत्याल के लिए नाम और गेंद हवा में लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद नहीं मात्र एक रन। सूरज खरत्याल अगर कोई भी विकेट लेते हैं तो उन्हें मनोज की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। मुस्तफिक अच्छा शॉट लेकिन फील्डर मौजूद और बहुत मात्र एक रन से संतोष करना पड़ेगा मुस्तफिक को। इसे सामना करेंगे आतिफ बेहतरीन शॉट गेंद हवा में देखना क्या होता है वहां पे कैच तो छोड़ेंगे नहीं लग रहा है। जी हाँ कैच नहीं छोड़ेंगे और सूरज ने 100 रुपए जीत लिए ननेरिया कमेटी ने जमा करा दी 100 रुपए। आते साल तक पवेलियन वापस आते हुए मनोज पुरस्कार यहां कमेटी में पहुंचा दें। सूरज खरत्याल के 100 रुपए यहां कमेटी में पहुंच चुके हैं मनोज अच्छी गेंद बीट हुए मुस्तफिक अच्छी गेंद और उसमें बेहतरीन शॉट लेकिन एक ही रन मिलेगा बल्लेबाज को। मनोज सामना करेंगे सद्दाम का देखना क्या होता है वहां पे
और कैच पकड़ लिया। सद्दाम भी वापस पवेलियन जाते हुए और अब झटके पे झटका लगता हुआ पूरनपुर लालन को। गोल्डन डक से आउट होकर वापस जाते हुए सद्दाम असलम है नए बल्लेबाज। राइट है नए बल्लेबाज। अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद मनोज द्वारा। जाने दिया राहित ने। राहित राइट करार दिया अंपायर बैबी ने और बन वाइट भी हो चुकी है। मनोज सामना करेंगे राहित कैसे है, लेकिन मात्र एक रन मिलेगा वहां बल्लेबाज को। अंपायर इशारा दे लेग भाई और इसी के साथ ग्यारह ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 59 रन 5 विकेट के नुकसान पे। और ये कैच ड्रॉप हुआ शायद, बहुत तेज शॉट था, कमाल नहीं इस तरह से सूरज। अगर ये विकेट ले लेते तो 100 रुपए के और अखबार हो जाते सूरज। और कम से काफी बाहर वाइट नहीं और ये करके अच्छी गेंद सूरज द्वारा समय मिल सके रहा है। अच्छा शॉट गोल फिल्टरों के बीच में गैप ढूंढा है, देखना क्या होता है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग फिल्डर द्वारा 2 रन मिल जाएंगे राहित को। अच्छी फील्डिंग क्या से सोना गौर था तो खिलाड़ियों द्वारा। अभी तक कोई भी फील्ड नहीं, कोई भी कैच नहीं छोड़ा है और ये कैच शरीर पे लगी बल्लेबाज के गेंद। बेहतरीन शॉट देखना है कितने रन मिलते हैं वहां पे। बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पे फिर से और 2 रन मिलेंगे। बहुत ही अच्छी फील्डिंग सुशोना गौडसागर की तरफ से देखने को मिली अभी तक। देखना है गेंद जा रही है सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। बेहतरीन शॉट मिस्टर रिच के पल्ले से। सामना करेंगे मिस्टर फिक। अच्छा शॉट अफजर फिर से जाब में है। देखना है कितने रन मिलते हैं। मात्र एक रन से संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज को। राहित करा रहे अंपायर द्वारा एक और मौका राहित के लिए यहां पे। और ये वाइट करा दिया अंपायर में से और ये फिर से नॉबल हाइट की नॉबल है। अंपायर का निर्णय अंतिम है मान्य करता। बहस ना करें कर सके राहित को। फिर से चूक गए राहित, कोई फायदा नहीं उठा सके इसका। 3 मौके मिले राहित को लेकिन बनाने में कामयाब नहीं। और ये भी गरीब शॉट खेलना चाहते थे। जोगिंदर बल्ले में कोई संपर्क नहीं। वाइट करार दी अंपायर ने। फिर से घुमाना चाहिए। वाइट करार दिया अंपायर ने फिर से।
फिर से वाइड दे रहा है लगातार वाइड देखते हुए गेंदबाज और ये अतिरिक्त रन ने पूरा मामला गड़बड़ा दिया है। वेट खादर की मेहनत पर पानी न फिर जाए कहीं और ये बाल बाल बचे क्या शायद कैच छूटा ओवर हो चुका है और अब 13 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 76 रन 76 अपने से बैट और ये और इसी के साथ ओवर समाप्त अच्छी फायदा नहीं उठा सकते इसका और अब क्यों उठाया है फील्डर नीचे है और ये ड्रॉप कर दिया कैच पहला कैच ड्रॉप किया यहाँ हिमांशु ने और नौ जीवन दान मिलता है मिस्टर हिट को अच्छी लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक सकेंगे एक रन ले लिया दूसरे निकला राइट भागना चाहते मना किया मिस्टर हिट ने बाल बाल बच्चे में तो हवाई फायरिंग करते हुए कोई गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं नजरेंगे मुस्तफिक फिर से हवाई फायरिंग गेंद और बल्ले में फिर से कोई संपर्क नहीं और ये अंतिम बॉल इनिंग की और ये गेंद हवा में फील्डर मौजूद है देखना है फील्डर के ऊपर से जाती हुई और मात्र 2 रन से संतोष करना पड़ेगा मुस्तफिक को और 3 रन करीब हाथ पड़े हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाएंगे मात्र 2 रन मिलेंगे और इसी के साथ टीम का स्कोर 14 ओवर की समाप्ति पे 80 रन मात्र 4 रन आए अंतिम ओवर में और दोनों टीमें अपना लंच ग्रहण कर ले यहां से और अभी 81 रन का टारगेट है गॉडफादर सुसेना के लिए 14 ओवर में 80 रन बनाने हैं गॉडफादर को यह मैच जीतने के लिए और खट्टू आए और अपना इनाम ले जाए यहां से खरत्याल सूरज खरत्याल गेंद और ये वाइट और बाइट 5 रन मिलेंगे यहां पे बल्लेबाज को बिना किसी गेंद के पड़ाव चल बहुत ही बेहतरीन गेंद यहाँ हिमांशु जी सौरभ की वापसी भी सौरभ और उठा दिया हिमांशु ने और गेंद जारी सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर आक्रमक बल्लेबाजी हिमांशु द्वारा 6 रन मिलेंगे हिमांशु को और टीम का स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 11 रन मात्र 2 गेंदों पे मिलेंगे यहां पे और कैच भी छूटा यहां खिलाड़ियों से हिमांशु काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए सौरभ फिर से अच्छी गेंद और वाइड करार दिया अंपायर ने से एक और अतिरिक्त रन काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ ये फिर से अच्छी गेंद बेहतरीन गेंद सौरभ द्वारा सामना करेंगे हिमांशु अच्छी गेंद हिमांशु द्वारा व्हाइट करार दिया अंपायर ने उसे और एक और अतिरिक्त रन काफी हो रही है खेलते हुए अच्छी गेंद दो ब्राइट फील्डर के बीच में से निकाल दिए गेंद और पैरों से रोक लिया तो
और इतनी बढ़िया फील्डिंग, पता नहीं चप्पल से रुक गई कि पैर से रुकी है, कृपया अंपायर बताएं कि चप्पल ने रोक लिया अच्छा पैर से रुकी है। और ये काफी महंगा ओवर साफ होता हुआ 16 रन आए इस ओवर में बिना किसी विकेट के नुकसान के। सलमान अच्छी गेंद, कृपया आशीष भाई सुन रहे हैं मेरी आवाज आ रही है तो गौरव राणा से मिल रही हूँ हिमांशु, अच्छी गेंद लेकिन एक रन जरूर मिलेगा बल्लेबाज को और दौड़कर एक रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाज। अगर घर में डमी रन है तो एक दो विकेट चटकाने होंगे यहाँ पे पूरन दो टीम को। अच्छी गेंद सलमान द्वारा बीट हुए कैच, फिर से अच्छी गेंद वाइड करा दिया अंपायर बैरी ने से, एक और अतिरिक्त रन। अच्छा शॉट गेंद हराने लेकिन वहां फील्डर का कोई प्रयास नहीं कैच लेने का, मात्र एक रन संतोष करना पड़ेगा कैच को। अगर ये मैच जीतना है तो कैच पकड़ने जरूरी पूरे पर 11 के लिए, तो माफ कीजिए हिमांशु से उठा दिया है, देखना है क्या होता है। बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे और अंपायर देखे बहुत ही बेहतरीन कैच यहाँ पे और हिमांशु वापस जाते हुए जो डिसीजन है मान्य होगा। सुंदर है नए बल्लेबाज सामना करेंगे सलमान का, अच्छी गेंद सम्मान दिया और इसी बीच एक रन भी चुरा लिया बल्लेबाज ने, स्कोर बढ़कर 20 रन 2 ओवर की समाप्ति पे। अच्छा शॉट, देखना कितने रन मिलते हैं, मात्र एक रन मिलेगा सुंदर को। एक फिर से आते और इसी बीच एक रन चुरा लिया फैज ने, आसानी से एक रन पूरा करते हुए फैज। एक आगे से आते अच्छी गेम और इसी बीच एक रन बल्लेबाज पड़े आसानी से पूरा कर लिया अपन। फील्डिंग में तो ज्यादा चिश्ती नहीं नजर आ रही पूरे पूरे 11 की, अच्छा कैच पकड़ा था राइट में बाउंड्री लाइन पे बहुत ही अच्छी तरह जज करने से आते थे। अच्छी गेंद आते द्वारा बेहतरीन गेंद जाने दिया फैज ने, कहा से आते अच्छा शॉट वहां पे अच्छी थे। और मैं बता देना चाह रहा हूं कि अंतिम लीग मैच है, इसमें जो भी खिलाड़ी हारेगा वो आगे नहीं खेल पाएगा। और ये हवा में है गेम, देखना है क्या होता है। और ये कैच ले लिया और शायद वापस पवेलियन जाते हुए, यहाँ पे आ जाएं, कुलजी बेहोश हो गए हैं, बीमार हैं थोड़े से, गौरव सिंह राणा बेहोश हो चुके हैं, आशीष भाई हाथ खड़ा कर दें भाई आ जाए यहाँ पे यार, गौरव सिंह राणा बेहोश हो गए हैं बीमार हैं ना तो। अच्छी गेंद सम्मान दिया राम सेवक ने, लेकिन फील्डर से थोड़ी थी और थोड़ी सी डाइव लगा कर दे चांस फ्री हो जाता और इन 8 चांसों में फिर में कन्वर्ट करना होगा अगर ये मैच जीतना है तुरंत 11 को। तो एक असिस्ट से अच्छी गेंद और इतना ही अच्छा शॉट, गेंद जारी है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, बहुत ही लंबा छक्का आराम से बच्चे बल्ले से निकलता हुआ। हमने राम सेवक
अच्छी गेंद, जाने दिए राम से बचने से अच्छी गेंद बनाना चाहते थे यार। देखिए यहाँ पे जोरदार अपील, अंपायर आपस में विचार विमर्श कर ले उसके बाद अपना निर्णय दे। अंपायरों पे दबाव ना बनाए, बहुत ही अनुभवी अंपायर दोनों, जो भी निर्णय लेंगे अंत में मान्य होगा उनका। और नॉट आउट करा दिया अंपायर ने। चार ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 30 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही खट खेलते वहां पे सुंदर, बहुत ही तेज हुए, दूसरा रन लेना चाहते सुंदर, खतरनाक साबित हो सकता था अगर दूसरा रन लेते तो। काफी तेज भी उससे खेल रहे हैं सुंदर, एक एक रन से उन्हें पता है कि लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं है। फिर से अच्छी गेंद, बीट हुए और वाइट करार दिया अंपायर विक्रम सिंह बिक्की ने। फिर से अच्छी गेंद, आतिफ रामसेवक अच्छी गेंद और इतनी अच्छी अपने पालू थे में फील्डिंग आतिफ द्वारा, बहुत ही शानदार फील्डिंग। फिर से आतिफ अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद बीट हुए रामसेवक, बिल्कुल समझ नहीं सके इस गेंद को। फिर से आतिफ और आगे गलती खेला रामसेवक ने, वहां फील्डर मौजूद है, मात्र एक रन से संतोष करना पड़ेगा राम से भक्त। अच्छी गेंद, फिर से एक रन गिरा लिया सुंदर ने आसानी से। सुंदर गेंदबाज और ये घूम कर शॉट लगाना चाहते थे और इसी बीच एक रन चिरा लिया और वाइट का इशारा भी अंपायर गुरनाम सिंह बैबी की तरफ से। अंपायर से बहस ना करें किसी भी तरीके की, अच्छी गेंद सम्मान दिया, एक रन भी चिरा लिया बल्लेबाज ने। मार दिया फील्ड किंदर ने, देखा फिर से बंटी और घुमा कर मांगना चाहते थे किंदर, उसने अगर बल्ले में कोई संपर्क नहीं तो बंटी और गेंद को मारना चाहते थे, गेंद हमारी तरफ आ रही है, फील्डर शाहरुख मौजूद, एक रन ही लेने देंगे शाहरुख, बहुत ही अच्छे फील्डर हैं। अच्छी गेंद सम्मान लगा दिया ने, और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 45 रन। हम सेवक और ये वाइस करा दिया अंपायर ने और बन वॉन्स भी होती यहां पे। सीधी जा रही बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। अच्छी गेंद सौरभ द्वारा, फिर से अच्छी गेंद, लाग पड़े हैं दो फील्डर के गैप में, दे लिया गेंद, एक रन मिलेगा आराम से रखते।
अच्छी गेंद, अच्छा कट शॉट सुंदर द्वारा, वहां पे देखना कितने रन लेते हैं और ये दो रन मिलेंगे यहाँ, तीसरा रन भी लेना चाहते राम सेवक, मना किया बिंदर ने, दो रन मिलेंगे राम सेवक को। हमने बिंदर सम्मान दिया, बात पड़े हैं और आसानी से एक रन पूरा कर लिया बिंदर ने, काफी सूझबूझ भरी पारी खेलते हुए बिंदर के लिए, अच्छी गेंद और वहां भाग पड़े हैं और वहां भी आसानी से एक रन चुरा लिया राम सेवक ने, फील्डिंग बिल्कुल फैला दी है यहाँ तुरंतपुर इलेवन की टीम ने अपनी। और इसी के साथ सात ओवर की समाप्ति पर स्कोर 49 रन, दो विकेट के नुकसान पे सेवक, अच्छी गेंद बंटी की, मात्र एक रन मिलेगा और वहां फील्ड होती हुई लेकिन कोई फायदा नहीं मिलेगा गॉडफादर को। और ये लेफ्ट स्टंप के बाहर वाइड करार दिया अंपायर ने इसे, बंटी और फिर से लेफ्ट स्टंप के बाहर वाइड करार दिया अंपायर ने इसे भी, और अतिरिक्त के दो रन मिलते हुए सुसोना गॉडफादर को दिखाया जा रहा है। तो फिर से बंटी, फिर से लेग स्टंप के बाहर वाइड, तीसरा वाइड ये लगातार, अच्छी गेंद वहां पे बंटी द्वारा वापसी करते हुए बंटी, वैसे बंटी अच्छी गेंद, सम्मान दिया बिंदर ने, जीत हुए बिल्कुल फ्री भी लगी उनकी गेंद, अंपायर कैप को सर पे पहन लिया गरर, फिर से अच्छी गेंद बंटी द्वारा, सामना करेंगे बिंदर, अच्छी गेंद कट कर दिया वहां पे, मात्र एक रन मिलेगा बिंदर को, करेंगे राम सेवक, अच्छी गेंद और वहां लेफ्ट साइड में खेला है, दूसरे रन के लिए भाग पड़े हैं और आसानी से दूसरा रन पूरा कर लिया यहां पे राम सेवक ने, स्टंप पे लगे तीसरा रन के लिए भाग पड़े, खतरा साबित हो सकता है यहां पे, और और जिस सफलता की जरूरत थी जान बूझ के अपना विकेट फेंक दिया बिंदर ने, और ये एकदम से मैच में फिर से जान आती हुई खड़े कर दे अंपायर, स्टंप खड़े कर दे, यहाँ पर खेलना चाहते थे राम सेवक और वाइट करा दिया अंपायर विक्की ने, और एक और ब्रेक रन मिलता हुआ यहाँ अच्छी गेम बहुत ही बेहतरीन गेम द्वारा राम सेवक अभी तक अच्छी बैटिंग कर सकता के बाहर वाइट करा दिया अंपायर ने से, एक और ब्रेक रन और काफी अच्छा रन दे दिया अभी तक इलेवन, अच्छा शॉट राम सेवक का गेंद सीधी कैमरे के बाहर, छह रन मिलेंगे राम सेवक को, ये गेंद ले खिलाड़ी, अच्छा शॉट फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा और इस तरह फिर से अच्छा शॉट लेकिन वहां फील्डर मौजूद है, मात्र एक रन मिलेगा बल्लेबाज को, तीसरे रन के लिए भागना चाहते थे, मना किया सोनू ने, सोनू का फील्डर मौजूद है, एक रन मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते थे राम सेवक लेकिन सोनू की कोई दिलचस्पी नहीं इसमें, फिर से और ये वापस पवेलियन जाते हुए राम सेवक का विकेट गिरता हुआ, काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे जो सफलता दिलाई सद्दाम ने अपनी टीम को, और इसी साथ ओवर समाप्त, सामना करेंगे सोनू और गेंद हवा में है, देखना है क्या होता है, जी नहीं फील्डर से काफी दूर एक रन चुरा लिया सोनू ने, एक रन भी मिलता हुआ बल्लेबाज, अच्छी गेंद बहुत बेहतरीन गेंद
बीट हुए शौकत और ये फुल टॉस गेंद और ये देखना क्या होता है वहां पे और ये काफी देर बाद स्टेट में चौका देखने को मिला है चार रन निकलते हुए शौकत के बल्ले से और बुरा स्वीप खेलना चाहते थे शौकत लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं और ये लगा क्या छूटा वहां पे एक मौका मिलता हुआ शौकत को और यहां दूसरा रन भी हो सकता है लेकिन कोई दिलचस्पी नहीं दोनों बल्लेबाजों के बीच शाहिद सामना करेंगे सोनू और ये दसवां ओवर समाप्त होता हुआ स्कोर बढ़कर जा पहुंचा है 72 रन और मात्र नौ रन की जरूरत है जीत के लिए सिसोना फिर से अच्छी गेंद बाइक कराते हम पाने से एक बार एक रन होता हुआ और ये फिर से आगे लगा लेकिन विकेट कीपर से काफी दूर यहाँ पे और ये चले पे नमक फिरते हुए खिलाड़ी और चार रन मिलते हुए यहाँ इस फील्ड से शौकत को एक आगे से फुल टॉस और पूरा फायदा नहीं उठा सके उसका रन भागे शाहरुख खतरा साबित हो सकता है और ये बाल बाल बचे यहाँ पे दाम सामना करेंगे शौकत फिर से फिर टॉस गेंद और सीधी हाथों में और इस तरह से और विकेट का पतन होता हुआ सीधी फील्डर को ढूंढ लिया शौकत ने सीधे फील्डर के हाथ में गई और ये पांचवा झटका लगता हुआ बिग बॉस सिसोना को माफ कीजिए गॉडफादर सिसोना सद्दाम सामना करेंगे शाहरुख सम्मान दिया सारिम ने सद्दाम की इस गेंद को मात्र चार रन बनाने और जीतने के लिए बिग पहला तो मैं तो कह रहा हूं थोड़ा नाम चेंज कर ले सोना बिग बॉस रख ले आसान नाम है और ओवर समाप्त होता हुआ सद्दाम का चार रन इसके बाद एक और मैच होना है दर्शक अगर ध्यान दें वो भी बहुत तगड़ा मैच शाहिद अच्छी गेंद और रन आउट का खतरा हो सकता है लेकिन फील्डर के हाथ में नहीं आई गेंद बाल बाल बचे बल्लेबाज एक रन मिलेगा सोनू को बेहतरीन शॉट और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और ये चार रन इसी के साथ मैच जीत लिया है और ये और अगर फादर ने मैच जीत लिया तुरंत पर 11 मेरी आवाज सुन लिया तो अपने एंट्री फीस यहां जमा करवा दें बीरा भाई एंट्री जमा करवा दें पांडी आपको ही कहेंगे बिटिया आपको ही जानते हैं